उन लोगों में से हूँ जो लोग खुश हो रहे हैं। जी हाँ, मुझे खुशी है स्काई लॉर्ड चला गया। जब तक बंदा था तब तक तुमने सपोर्ट नहीं किया, जब वो नहीं है यूट्यूब पर नहीं है या फिर वो दुनिया में या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो फिर आ जाते हो कि यार मुझको कॉल करो, ये करो, तुमको बढ़िया। फिर एक बंदे ने हद कर दी, ठीक है, उसकी वीडियो मैंने टेक डाउन करी, स्ट्राइक मार के। इसने मेरी फोटो लगा रखी है और उस पर मेरा थंबनेल यूज किया था उसने वीडियो में अपने, और फोटो में भी दिखाया था थंबनेल, और बकायदा लिटा रखा है, जो लाश होती ना लेटाई हुई लाश, कपड़ा पड़ा, मेरी फोटो बकायदा नाक में रोई हुए डाल के, और टाइटल चल बसे स्काई लॉर्ड अब नहीं रहे, उस पर थे करीबन 100 ऐसे कुछ व्यूज थे उस वीडियो पे। उसको मैंने टेक डाउन किया फिर, और उसमें वीडियो के अंदर बकायदा दिखा रहा है, गाइस देखो एक्सीडेंट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बताओ नहीं, मतलब नहीं बोलूंगा, कुछ पता चले बहन के लोड़े की बात सही हो जाए, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ये क्या किया खुदा, ये क्यों किया खुदा। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी गाइस, आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, स्काई आर्मी से माफ़ी मांगता हूँ, बॉस एक्स आर्मी से माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो यार मुझे छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। अगर मेरे पिछले वाली वीडियो से आप लोगों को कुछ गलत लगा कि मैंने ऐसा कुछ गलत बोला, मेरा ऐसा इंटेंशन कुछ भी नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि मैं दोबारा वीडियो बनाऊँ, बस उस वीडियो में जो फीलिंग्स थी आप लोगों को शायद से समझा नहीं पाया ठीक से, तो इस वीडियो में समझाऊँगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसा मत बोलना कि भाई तुम व्यूज़ के लिए ऐसा कर रहे हो या भाई तुम व्यूज़ के लिए पैसा छाप रहे हो। पहले तो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ कि मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, तो भाई ऐसा मत बोलो स्काई भाई के लिए यार, बहुत जो बंदे कर रहे हैं उनके ऊपर भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को। जो बंदे भाई स्काई लॉर्ड भाई के ऊपर यार एक दिन पे 15-16 वीडियो डाल रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा शर्म कर लो भाई लोग, थोड़ा सा शर्म कर लो यार। जो बंदा नहीं रहा दुनिया में उसके बारे में ऐसा ऐसा वीडियो मत बनाओ। अरे बना रहे हो ठीक है, बट यार डेथ फिट का ये सब मत दिखाओ, अगर दिखा भी रहे हो तो भाई यार प्लीज़ यार मोनेटाइज तो मत करो यार, आप लोग उसके नाम पे पैसे छाप रहे हो यार। जो बंदा नहीं है थोड़ा सा शर्म कर लो यार, प्लीज़ भाई लोग प्लीज़। तो गाइस यार मेनली मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, घर पे थोड़ा मतलब आप लोगों को बोला था छोटा भाई का एक्सीडेंट हो गया था, आप लोगों को छोटा सा एक फोटो दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को पता चले कि हाँ ये सच था, कि ऐसा नहीं कि भाई फेक था, कोई मैं आप लोगों को फेक बोल रहा हूँ या सिंपति ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। बस आप लोग बस इतना ही दुआ करना कि जल्दी से भाई ठीक हो जाए, बस इतना ही करना। और गाइस आप लोगों को आगे कुछ और भी वीडियो दिखाने वाला हूँ, आप लोग देखो उसके बाद आप लोग समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ तुम सभी लोगों को कि स्काई मरा नहीं है, स्काई जिंदा है, वो हमारी सोच में जिंदा है, वो हमारे इमोशन में जिंदा है, और उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकता कोई, क्योंकि स्काई लॉर्ड एक इमोशन है जिसको कभी कोई ख़त्म नहीं सकता। अगर स्काई आज मिटा है ना तो एक नए रिश्ते का जन्म हुआ है, भाईचारा। आज से उस बंदे के फैमिली के ऊपर, उस बंदे के ऊपर अगर कोई कुछ भी बोलता है ना, उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा, हमेशा मैं खड़ा रहूँगा, ऐसे नहीं तो वैसे तुमको मैं बर्बाद करूँ। नहीं यार यश भाई, सिर्फ आप हमेशा नहीं रहोगे, हम भी रहेंगे आपके साथ, ऑलवेज रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। स्काई लॉर्ड भाई नहीं रहा तो क्या हुआ, स्काई लॉर्ड भाई हमारे दिल में रहेंगे, इमोशनल में रहेंगे। जैसे कि बोला कि भाई आप बर्बाद करोगे जिस जिसको बर्बाद करना होगा, बट आप अकेले नहीं बर्बाद करोगे, हम सब मिलके बर्बाद करेंगे, क्योंकि स्काई एक्स बॉस आर्मी आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ, मेरा जितना भी छोटा सा फैमिली है वो भी आपके साथ ऑलवेज है, ऑलवेज रहेगा, क्योंकि स्काई भाई और बॉस यस भाई आप दोनों भाई मेरे दोनों भाई जैसे हो। और एक बंदा ये इसको देखो, इसने तो पूरी सीरीज ही निकाल दिया, अभी वो बंदा मर गया भाई, उसके नाम पे तुम मोनेटाइजेशन ऑन करके वीडियो डाल रहे हो भाई, शर्म कर लो, उसके नाम से पैसा कमा रहे हो, अबे थोड़ी सी तो शर्म होनी चाहिए, कम से कम मोनेटाइजेशन तो ऑफ कर दो। अपने फ्री फायर के कम्युनिटी वाले ऐसा सब कर रहे हैं भाई, शर्म आनी चाहिए तुम। गाइस यही जो बात था यही बोलना चाहता था, इसके लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बंदे कर रहे हैं कि भाई मोनेटाइज ऑन करके भाई स्काई लॉर्ड भाई के नाम पे यार व्यूज छाप रहे हैं, पैसा कमा रहे, भाई वो बंदा नहीं रहा है यार, भाई लोग ऐसा मत करो यार, बहुत ज़्यादा शर्मनाक की बात है ये,
तो यार प्लीज़ मत करो, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर वीडियो छोड़ना चाहते हो तो छोड़ो, कोई बात नहीं, बट यार मोनेटाइज ऑफ कर लो यार भाई। बहुत बंदे यार, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे बंदे यार स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहे। आप लोगों ने एक बंदे के बारे में सुना होगा, नेपाल का कोई था, मैं नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि बड़े यूट्यूबर है, कुछ भी हो सकता है, बट यार उसने जो किया था बहुत ज़्यादा गलत किया था, तो मैं नहीं चाहता कि और ऐसा कोई करे। तो यार छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई लोग, आप लोग अगर वीडियो बना रहे हो तो दिल से बनाओ, ठीक है, ताकि भाई उन लोग अगर फैमिली कोई देखे तो प्राउड फीलिंग होना चाहिए, या ऐसा नहीं कि भाई ये बंदा क्या बना रहा है जिसको देख के उनको भाई बुरा फील हो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई लोग। और भाई प्लीज़ यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी वीडियो बनाओगे भाई मोनेटाइज ऑफ कर लेना, जब भी स्काईलॉट भाई के यार ऊपर वीडियो बनाओगे, यार आप लोग अगर कोई वीडियो बनाते हो तो यार वो जो पैसा मिलता है वो भाई किसी पे डोनेट कर दो। ना तो तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो भाई। फिर उसके बाद से मेरे को ये वीडियो के साथ सब टैग करने लग पड़े। तो कहते हैं ना कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो सबसे अच्छा तरीका है आप खामोश रहो, क्योंकि फिर ऊपर वाला जो सज़ा देता है ना वो पूरी दुनिया देखती है। और आज उसको ऐसी सज़ा मिली है कि अगर उसकी मौत भी हुई है तो वो भी एक्सीडेंट में हुई है, और उस टाइम मैं चुप रहा था इसीलिए आज ऊपर वाले ने उसको ये सज़ा दे दी। गाइस देखो, ये जो बंदा होते हैं ना, ये सब बंदे, ये क्या बोले इसके बारे में, कुछ बोलना ही नहीं, गाली भी नहीं देना चाहता वीडियो में। गाइस ये लोग बंदे भाई पहले जानबूझ के नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आके सॉरी बोलते हैं। तो गाइस स्काईलॉट भाई ने एक चीज़ बोला था, आप लोगों को पता है, पहले नेगेटिव वीडियो बनाएंगे जानबूझ के एंड उसके बाद सिंपैथी, रोना, माफ़ी मांगेंगे। तो आप लोग को भाई ऐसे भी स्काईलॉट भाई ने बोला था कि पिकाचू से थोड़ा दूर रहो, समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है गाइस, आप लोगों को पता है, और आप लोग मैच्योर हो, सभी के सभी बंदे, जितना भी मेरे बंदे देखते हो, फैमिली के बंदे लोग देखते हो। एक चैनल का लिंक जो कि इस चूतिए का चैनल, तुम लोगों को सीधा चैनल पे जाना है, कोई भी तुमको वीडियो वगैरह पे क्लिक नहीं करनी है, व्यूज़ नहीं देना बंदे को, डायरेक्ट ऊपर चैनल पे क्लिक करना है 3 डॉट पे, और वहाँ पे डायरेक्ट रिपोर्ट कर देना है जिस तरीके से मैंने करी है, सेम रिपोर्ट सेक्सुअल या हरासमेंट जो करना है कर दो रिपोर्ट। इतना रिपोर्ट पढ़ना चाहिए ना कि इसका चैनल भाई 24 घंटे के अंदर गायब दिखना चाहिए यूट्यूब पर से। जो भी लोग मेरे को देखते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, मेरे फैन फॉलोइंग में मेरे भाई लोग हैं या फिर जो भी स्काई के भी हैं, भाई सबसे रिक्वेस्ट है अभी आपस में कोई मत लड़ना, क्योंकि मैं खुद उस बंदे से मिल गया हूँ अभी के टाइम पे, ठीक है। वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ 69 आर्मी, वी आर नॉट ओनली बॉस आर्मी, अब से हम दोनों एक एंड हमेशा एक ही रहेंगे, क्योंकि वो बंदा भी जा चुका है एंड उसके ऊपर बहुत कुत्ते आएंगे भौंकने, लेकिन वो बंदा उन चीज़ों को डिफेंड नहीं कर पाएगा, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं रहूँगा और हमेशा रहूँगा, ज़िंदगी भर रहूँ। तो गाइस जाके इस बंदे को बहुत ज़्यादा प्यार दे के आना, प्यार मतलब ऐसा प्यार नहीं कि इतना भाई, वो ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए कि स्काई एक्स बॉस जो आर्मी है कितना पावरफुल है, वो आप लोग को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इस बंदे के चैनल पर जाके इसको व्यूज़ नहीं देना, सीधा जाके रिपोर्ट करना, ठीक है। एंड गाइस ये जो 26 तारीख जो भी हुआ था, जो भी स्काई भाई के साथ हुआ था, ये हम हमेशा याद रखने के लिए, हमेशा हर साल को मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा, वो भी 12 घंटे की लाइव स्ट्रीम करूँगा, ये आप लोगों से प्रॉमिस है। और उससे जितना भी पैसा अर्निंग करूँगा, अर्निंग होगा जितना भी पैसा, 200 हो, 400 हो, 1000 हो, 2000, 3000, 10000, जितना भी होगा, मैं वो गाइस जो होते हैं ना, जो बंदे होते हैं दो वक्त खाना जिनको नसीब नहीं होता, उनको खाना खिलाऊंगा और आप लोगों के सामने दिखाऊंगा भी, ठीक है। एंड यस, किसी अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो गाइस मैं किसी चैरिटी को, जो किसी अनाथालय होते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उनका कोई नहीं रहता, तो उनको वहाँ पे जाके मैं डोनेट कर दूंगा वो पैसा, जितना भी हो, जितना भी मेरे से पॉसिबल हो, जितना भी ये जो छोटा सा हमारा स्काई एक्स बॉस आर्मी है, जितना भी पॉसिबल होगा मैं करूँगा, बट हर साल मैं करूँगा, ये आप लोगों से वादा है, आप लोगों से प्रॉमिस है, और ये वादा जो है कभी टूटने नहीं दूंगा। और स्काईलॉट भाई हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगे, हमारे इमोशनल में हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि लेजेंड नेवर डाई।